एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल का तो आप देखे ब्लॉग, लिट्टी पार्टी हमारा ब्लॉग था। जो मेरे ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए वो ब्लॉग। और हम लोग कल लिट्टी बनाए थे, वो भी आग वाला, और काफ़ी टेस्टी था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, ऊपर, और ऊपर मैं जा रही हूँ, बाल पूरा खोल ली हूँ और जा रही हूँ, पूरा नींबू लगाऊंगी बाल में, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा और डैंड्रफ होने के कारण हमको लगता है झड़ रहा। डैंड्रफ नहीं है वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत झड़ रहा। देख रहे हैं इतना कम हो गया बाल, तो हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो चलिए छत पर चलते हैं और छत पर पूरा अच्छे से नींबू लगाएंगे। और मेरे पास नींबू है, आंटी ला करके दी है, प्यारा की मम्मी, जो प्यारा आता है ना बच्चा, उनकी मम्मी ला करके नींबू ढेर सारा दी है। तो चले अब उन्हीं का नींबू को अच्छे से पूरा लगाएंगे। बहुत रस है नींबू में, बहुत ज़्यादा रस है। तो चलिए छत पे चलते हैं और नींबू लगाते हैं। फिलहाल मैं नींबू निकाल ली हूँ, नींबू और चाकू ये रहा, मिल गया, कहाँ था नींबू और चाकू। और मैं जा रही हूँ फिलहाल छत, छत में तेल भी लेके गए, क्या मिल गया? इसका ढक्कन देखो टूटा हुआ है, इसको कोई दूसरा चीज में एक्सचेंज अति कर पलट दो। हाँ तो अभी चलिए ऊपर, चलिए ऊपर जाना है, चलो पहुंचा देना, खंगार खंगार के खाली पसार दो ना, अभी कपड़ा भी खंगारने मम्मी बोल रही, चलिए ऊपर चलते हैं। आज तो मेरा दिन बर्बाद होने वाला है, देखिए पूरा इतना सारा कपड़ा है, और इधर भी एक बैग कपड़ा जो हम लोग पटना गए हुए थे और वो सब कपड़ा भी नहीं धोए हैं। तो सोचे कि आज नींबू लगा करके पूरा कपड़ा ही धो देते हैं। और चलिए ऊपर हम लोग नींबू भी लगाएंगे और जितना कपड़ा है सारा कपड़ा धोते हैं। और ढेर सारा इधर भी एक बैग कपड़ा है, साड़ी है, सारे कपड़ा को बस इजी में डालना है और धोना है। और चलिए फिर हम लोग धोते हैं जल्दी से। और देखिए ये, और मछली वाला भी एक्वेरियम साफ करना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। देखिए मतलब लाइट में जैसे दिखता नहीं है मछली, इसको भी साफ करना है। तो चलिए अभी कपड़ा धोते हैं फिलहाल। सो गाइस, फाइनली अभी मैं बिल्कुल नहा ली हूँ, नहा धोवा के बिल्कुल रेडी हूँ। और बाल में मैंने आज नींबू भी लगाया था, बताया थे, तो हम नींबू भी लगा लिए हैं। और अभी अच्छे से अपना हेयर वॉश भी कर लिए हैं और बहुत सारा कपड़ा धोए हैं आज। तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और चार्ज भी करना ज़रूरी था, इसीलिए बोले चलो अभी मैं जा रही हूँ वेज पुलाव बनाऊँगी, वेज वाला, क्योंकि आज ऊपर में बहुत ज़्यादा कपड़ा धोए हैं तो थक गए हैं, तो अब ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, तो वेज पुलाव बनाते हैं। और वेज पुलाव बना के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा वेज पुलाव बन चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने। देखिए यहाँ पे बालकनी पे, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, और देखिए ये वेज पुलाव है, कैसा लग रहा है मम्मी? वो मेरा था, ये देखिए वेज पुलाव कैसा दिख रहा है। और ये मम्मी खा रही है यहाँ पे, और कैसा लगा मैम, टेस्ट है? थोड़ा साफ सिस्ता, मतलब हमको उतना अंदाजा नहीं था, तो पानी ना जानती हमें सूख गया था सारा, सब पानी पूरा सूख गया था। और देखो पानी लाए, और देखिए बिल्कुल अभी दोपहर का मौसम है, मतलब 3:30 रहा है इसका मौसम है। और चलिए मम्मी पानी मांग रही है, तो चलिए हम लोग पानी लेकर के आते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग घर में, आप लोग को वेज पुलाव पसंद है या नहीं है प्लीज़ अगर कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगर पसंद है तो हम लोग घर में अक्सर पहले बनता था वेज पुलाव, बट हम इधर बनाना छोड़ दिए ना, इसीलिए अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अक्सर हम लोग बनाते थे। अरे मैं गिलास लेने आई हूँ और पानी तो मैं भूल के जा रही हूँ, यार गजब हाल है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वेज पुलाव खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अब शाम में डायरेक्ट मिलूँगी और देखते हैं शाम में क्या करना है, और कपड़ा भी उठाने जाना है ऊपर। तो चलिए फिर शाम में मिलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल शाम का समय हो गया है और मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़ा उठाने। और देखिए बिल्कुल रात हो गया, मतलब शाम 6:30 क्या होता है ना, पूरा अंधियाला हो जाता है। और आपको दिखाते हैं, दिखाई तो वैसे नहीं देगा बट कोशिश करेंगे दिखाने का। लाइट है यहाँ पे, अरे लाइट भी नहीं है। चलिए देखते हैं मम्मी क्या और कर रही है, बिल्कुल रात का समय हो गया है। मम्मी क्या कर रही है? अरे देखिए मम्मी यहाँ अपना घर का देसी घी निकाल रही है। कैसे निकालती है इसको? कैसे? छाली जमा करके। हाँ। और उसके बाद जब 10-12 दिन का छाली हो जाता है तो फिर उसको मथ देते हैं खूब, मत के उसको धो के
सारा पानी फेंक देते हैं और जो उसका मक्खन रह जाता है मक्खन को गला देते हैं। देखिए जो कृष्ण भगवान खाते थे ना वही मक्खन का यहाँ देखिए निकल रहा है घी, और इसका सुगंध इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इसके सामने इनफैक्ट पतंजलि का भी घी होता है ना फेल है। और भी मम्मी बहुत सारा निकाली है। और बताओ मम्मी खाना पीना हो गया? क्या खाई? देखिए आज हमको खाना नहीं दिए मम्मी। देखिए अभी हम एक ट्रे अंडा लेकर के आए हैं, ये देखिए एक ट्रे अंडा आधा आधा फ्रिज में मम्मी डाली है। देखना धीरे धीरे कौन आया तो गिरा। यहाँ पे डाली है मम्मी एक ट्रे अंडा, एक ट्रे नहीं है यहाँ हाफ है, और वहाँ देखिए हाफ दिख रहा है। कितना आटा मम्मी? चार मुखली उसमें है, चार मुखली बचा है। और बाकी बात पापा देखिए यहाँ सो गए और हम लोग मोबाइल देख रहे हैं। चले हम भी जा रहे हैं। देखिए मेरा भी बिस्तर हो गया है और मॉस्क्यूटो नेट लगा के ही सोना है क्योंकि डेंगू फैला हुआ बहुत जोर का। तो चलिए हम लोग भी अब सोते हैं, फिर कल चलते हैं हम लोग जिम और जिम में आपको दिखाएंगे। चलिए ये रहा मेरा पानी जो मैं पानी ले करके सोती हूँ सोने वक्त। मुझे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगता है और यहाँ मैं पानी रख लेती हूँ। पानी बहुत प्यास लगता है फ्रेंड्स। और फिर मोबाइल रहा मेरा, ईयरफोन, सारा कुछ ले करके मैं सोऊंगी क्योंकि रात में वीडियो देखिए यहाँ ईयरफोन है, मोबाइल है और एक फ़ोन जिसमें सूट कर रही वो है। और फिर चलिए कल मिलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीम नहीं कड़ी पत्ता मैं उबाली हूँ बहुत अच्छे से, पूरा कड़ी पत्ता तोड़ करके लाई हूँ और इसका उबाल करके इसका पानी को अपने बाल में लगाऊंगी। और मेरा बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा है जिसके वजह से ये सब करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। और देखिए मैं अभी फ़िलहाल भूत बनी हुई हूँ और मैं अपने चेहरे पे लगाई हूँ पतंजलि का कांति लेप, और सुनते हैं इससे पिंपल्स वगैरह ठीक हो जाता है तो मैं भी ट्राई करती हूँ ठीक होता है या फिर नहीं होता है। और चलिए फिर हम जा रहे हैं अभी नहा लेते हैं, नहा करके आज पूजा करना है। तो चलिए मैं जा रही हूँ नहाने, नहा करके फिर आती हूँ आप लोगों के पास। फिर नाश्ता वास्ता करूँगी छत में जा करके, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर चलिए आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं ऊपर नाश्ता करने। देखिए पानी लेते चलना। हाँ पानी लेते चलेंगे। और पूजा पाठ बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ऊपर जा कर नाश्ता करूँगी, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ऊपर आ गए नाश्ता करने, और चलिए नाश्ता करते हैं और बताते हैं रोटी करेली का भुंजिया। और ये क्या है मम्मी? नाम भूल गई। शिमला आलू और चाय। हम लोग दार्जिलिंग गए। देखिए यहाँ कड़ी पत्ता का पानी बिल्कुल रेडी है। मैंने सबसे पहले फ्रेश कड़ी पत्ता ली हूँ, कड़ी पत्ता फ्रेश एकदम, और उसको अच्छे से पानी से धो ली हूँ। धोने के बाद एक लीटर पानी में पूरा कड़ी पत्ता को डाल करके और बहुत कम आंच में मतलब सीम करके मैं इसे हल्का 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 खौलाई हूँ। और इसको एक लीटर से हाफ लीटर मतलब आधा एकदम करना है। और आपका स्प्रे मतलब कि कड़ी पत्ता का पानी बिल्कुल रेडी है। और सुने इसको बाल में लगाने से बाल नहीं झड़ता है, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। अभी मैं बॉटल में भर ली स्प्रे बॉटल में और अभी जा रही हूँ मैं छत पे जा कर के, छत में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ इसे लगाऊंगी और पूरा अच्छे से मसाज भी करूँगी अपना हेयर को, और देखते हैं इफ़ेक्टिव होता है या नहीं होता है, आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर ये देखिए पूरा भर ली हूँ और इसका कलर बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए। अगर कलर हल्का फीका है तो समझिए और बॉयल होगा, मतलब कम बॉयल हुआ है, इसलिए कलर बिल्कुल इस प्रकार से आना चाहिए। और ये स्मेल भी बहुत अच्छा कड़ी पत्ता वाला स्मेल आ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग लगाते हैं इसको और देखते हैं इफ़ेक्टिव है या नहीं है। रुको बेटा, ये दवाई है बेटा, दवाई है, दवाई ढीला मारने वाला दवाई। छे तुम्हारा भी हो जाए। लो आ लगा देते ले, लो दवा। इसको भी लगा दीजिए ना, इसको भी लगा दीजिए। दवा ने तो साफ भी नहीं कर रहा। अरे बाप रे, मेरे बाले नोच दो। हाँ हो गया, दवाई है, फट जाएगा।
देखिए यहाँ कड़ी पत्ता हम लगाए हैं, तो ये शिवांश भी लगाया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और देखिए मसाज कर रहा है। अच्छे से करना मसाज। अरे बाल आ रहा है, लंबा लंबा हो रहा है। और देखिए मेरा कड़ी पत्ता पूरा लग गया है बाल में। नैन्सी तुमको भी लगाना है? नहीं, उसका बाल तो बहुत है नैन्सी का। नैन्सी का ही मन कर रहा लगाने का ना नैन्सी। और देखिए कल का कपड़ा कितना सारा धोए थे हम लोग, इधर देखिए कल का बहुत सारा कपड़ा है इधर। और कल तो नहीं दिखा पाए थे क्योंकि कल बैटरी ऑफ हो गया था, मतलब बैटरी नहीं था फ़ोन में, इसीलिए देखिए ढेर सारा कपड़ा। और देखिए छत में हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, नाश्ता वास्ता कंप्लीट हो गया और सारे लोग बैठे हुए छत पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे पूरा कपड़ा ही कपड़ा चारों तरफ। और कल तो दिन पूरा ख़राब हो गया था कपड़ा धोते धोते में, तो ख़राब क्या मतलब पूरा दिन निकल गया कपड़ा धोने में। नैन्सी यहाँ कपड़ा गिर गया तो उठाओ इसको, तेरा रेड येलो वाला देखो यहाँ पे गिर गया, उठाओ इसको। और देखिए मेरा बाल अगर ठीक हो जाएगा तो आप लोग को बताएंगे। झड़ना कम हो जाएगा बस यही बहुत बड़ी बात है, झड़ना केवल कम हो जाए मेरा। और चलिए फिर चलते हैं हम लोग, थोड़ा धूप में बैठेंगे उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे। नीचे जाने के बाद देखते हैं क्या करना है, फिर कुछ कुछ वीडियोज़ वगैरह रील्स बनाना है। और आ जाओगी पढ़ने मेरे पास? हैं हाँ। कितने बजे आओगी? 5 बजे। 5 बजे आप होमवर्क की हो जो दिए है कल? कर लूँगी। कर लूँगी, अगर आज नहीं की तो खाना खाकर बना लूँ होमवर्क। और नहीं बनाई तो बना भी सकते हो? और नहीं बना तो फिर क्या करेंगे बताओ? तो बना भी सकते रहता। नहीं तो अगर नहीं बना होमवर्क तो क्या करेंगे बताओ? तुमको आज बता दो क्या करना है, इधर आओ। पिटाई। पिटाई ना, जो कल पापा बोले वही करेंगे ना। ठीक है तो चलिए चलते हैं नीचे हम लोग, फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार मेरे तरफ से। और आप लोग बहुत खुश रहिए और सारे लोग हैप्पी रहिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।